वीडियो में हम देखेंगे छह ऐसे सनग्लास जिसकी प्राइसिंग 500 से स्टार्ट होकर 4000 तक जाएगी। अब देखो सनग्लास एज अ प्रोडक्ट ना काफी सिंपल सी चीज होती है, आंखों में कंफर्टेबली फिट होना चाहिए, स्टाइलिश लगना चाहिए और आंखों की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए हमने सारे ही बेस्ट सनग्लासेस को सेलेक्ट किया, प्राइसिंग लोएस्ट से हाईएस्ट तक गए और अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या एक्चुअल में चीजें बदलती है और कितना आपको अपनी प्राइस में स्ट्रेच करना चाहिए इसी सनग्लास के लिए। ऑलराइट, पहला सनग्लास आ गया हमारे पास में, डेफिनेटली ब्रांड होने वाला है लेंस कार्ड। लेकिन लेंस कार्ड के अंदर भी ना आपको काफी अदद ब्रांड्स मिलेंगे जिसमें मोस्ट पॉपुलर नाम है विंसेंट चेज। मस्त आपको एक कैरिंग केस देखने को मिल जाएगा, अच्छी फिनिशिंग फ्रंट में, ब्रांडिंग जिप की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी, अंदर में आपको क्लीनिंग क्लॉथ देखने को मिल जाएगा, अच्छी और पैकेजिंग मिल जाएगी। एंड जस्ट लुक एट दिस भाई, और इस डिजाइन को बोलते हैं वेफेयर। देखो 2024 में वेफेयर्स काफी फेमस होने वाले हैं। पूरी बॉडी इसकी पॉलीकार्बोनेट की बनाई गई है। पॉलीकार्बोनेट क्या होता है, बेसिकली एक लाइटर प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है और चश्मों में लाइट वेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए ऑलमोस्ट हर चश्मों में आपको यही मटेरियल देखने को मिलेगा। इसमें अगर डिजाइनिंग की बात करें, पूरा ब्राउन टिंटेड आपको इसकी बॉडी मिलती है जिसमें थोड़े से ना ऐसे स्प्लैशेस या चितकबरे टाइप की आपको डिजाइन मिलेगी, बेसिकली लेपर्ड जैसी डिजाइन आप बोल सकते हो, लेकिन हाँ डार्कर शेड में है। टेम्पस की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, हिंज की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी, एकदम ही ढीला सा नहीं लगता। फ्रंट में इसमें आपको ब्राउन कलर का एक टिंटेड ग्लास देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको 100% यूवी प्रोटेक्शन एंड पोलराइज्ड ग्लास ऑफर किया गया है। और मेजरली देखो यही दो चीज होती है ना जो किसी भी सनग्लास को आपके आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए बेस्ट बनाती है। पोलराइज्ड ग्लास बेसिकली रिफ्लेक्शंस कट करने में बहुत ज्यादा काम आते हैं, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप पोलराइज्ड ग्लास पहनकर अपने फोन को देखने की कोशिश करोगे ना, पूरा फोन भाई ब्लैक हो जाता है क्योंकि ऑल रिफ्लेक्शंस आर कटेड। एंड ओवरऑल जब हमने इसे पहनकर देखा भाई, फिटिंग काफी ज्यादा अच्छी आ रही थी, बहुत अच्छे से मेरे फेस में बैठता भी है और कंफर्टेबल फील हो रहा था। एंड ट्रस्ट मी, 500 रुपए के हिसाब से ना पहले ही प्रोडक्ट में एक बेस्ट प्रोडक्ट निकला है जिसके लिए आप हंस के जा सकते हो। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई 4000 तक में क्या क्या आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में, ये चश्मा भी लेंस कार्ड की तरफ से आता है। देखो इंडिया में ना 3-4 ही ऐसी कंपनीज है जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में राज करती है। ऑफलाइन में लेंस कार्ड ही राज करता है, लेकिन ऑनलाइन देखोगे तो आईवेयर लैब है, वॉयज है, फास्ट ट्रैक भी काफी अच्छा काम करता है। बाकी पैकेजिंग आपको सेम ही मिलने वाली यहाँ पर, कितना प्रोटेक्ट करके ये देते हैं कि टेम्पल को कवर किया हुआ अच्छे से, जो कि अच्छी बात है। ये है एक हेक्सागन शेप्ड सनग्लास जो कि बहुत ज्यादा क्लासी लुक देता है आपको। पूरी बॉडी इसमें आपको स्टेनलेस स्टील की देखने को मिल जाएगी। अब जो स्टेनलेस स्टील की फिनिशिंग होती है, जो शाइन होता है, उससे आप बहुत अच्छे से रूबरू हो तो ये क्वालिटी आप समझ सकते हो। टेम्पल्स के एंड में आपको प्लास्टिक के दो टिप्स देखने को मिल जाएंगे दोनों तरफ में, जो कि आपकी इयर्स के सामने में आपको सॉफ्ट फील करवाते हैं। एंड में आपको विंसेंट चेज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और लेंस कार्ड का लोगो मिल जाएगा। फ्रंट की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के टिंटेड ग्लास देखने को मिलेंगे जो कि एकदम कूल सा लुक देते हैं। और अच्छी बात क्या है कि इसमें भी आपको 100% यूवी प्रोटेक्शन एंड पोलराइज्ड ग्लासेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी अंदर की तरफ नोज टिप्स की अगर बात करें तो ये भी एडजस्टेबल है, नोज में पहनने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, कंफर्टेबल फील होता है और काफी अच्छे से ना बैठता भी है। और इसकी प्राइसिंग 600 रुपए के आसपास की। प्राइसेस में देखो चेंजेस आ सकती है क्योंकि प्राइसेस हम कंट्रोल करते नहीं, और ये लाजा बाबू वाला जो झुमका है ना उसको दूर ही रखो। अगर आपको एक नई डिजाइन चाहिए, बेस्ट प्राइस चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, इसके लिए जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट चश्मे का ब्रांड आ गया हमारे पास में, वो भी सेम लेंस कार्ड ही होने वाला है। देखो एक सजेशन यही है कि जब चीजें अच्छी चल रही होती है ना तो उसे ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन हमें लेंस कार्ड के प्रोडक्ट्स में ना अच्छे सनग्लासेस मिलते हैं तो उसमें बुराई क्या है। फिर फटाफट इसे निकाल लेते हैं और अंदर में आपको वही सेम पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक नए डिजाइन का आपको ग्लास देखने को मिलेगा। ऑलराइट, फर्स्टली अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें, पूरा इसका फ्रेम ब्लैक कलर का है, ग्लॉसी कलर का है एंड पॉलीकार्बोनेट से ही बना है। साइड में आपको लेंस कार्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, अंदर में आपको विंसेंट चेज की ब्रांडिंग मिल जाएगी और बगल में देखो क्या लिखा हुआ है, इनडोर ग्लास। अब ये क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी अगर इसके हिंज की क्वालिटी की बात करें, काफी ज्यादा अच्छी है, फ्रेम भी काफी ज्यादा स्टर्डी फील होता है और यहाँ पर आपको एक ब्लू टिंटेड ग्लास देखने को मिलता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ना ट्रांसपेरेंट जैसा ही है। पहनने के बाद अगर लुक की बात करें, इसका जो शेप है ना वो थोड़ा सा राउंड या ओवल टाइप का शेप है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। पहनने के बाद जो फिटिंग आ रही है ना, लिटरली बहुत अच्छी आ रही है। कई सनग्लासेस ऐसे होते हैं कि आप बात करो या बोलो या हंसो या मुंह ऐसे ऊपर नीचे करो तो ये ऐसा उठ सा जाता है, बहुत गंदा लगता है। इस ग्लास में आपको यूवी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको पोलराइज्ड ग्लास नहीं मिलता, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक इंडोर ग्लासेस है। अब इंडोर ग्लासेस का कॉन्सेप्ट छोड़ो, अगर एक सिंपल प्रैक्टिकल वे में बात करें तो आप इसे आप चाहो तो एज अ पार्टी वार्टी में भी पहन सकते हो, सूट वूट के साथ काफी कूल लगता है। कहीं भी ऐसी जगह जहां पर वैसे चश्मे नहीं पहने जाते, लेकिन आपको स्टाइल क्रिएट करने के लिए चश्मे पहनने हैं ना, तो ये चश्मा काम में आएगा, सिंपल भाषा में। बाकी इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा, 1500 रुपए के आसपास की। देखो एक्चुअल वे में देखोगे ना तो कोई एक जस्टिफिकेशन
ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा इन सारे प्रोडक्ट्स में कि रेबन के सनग्लासेस भाई 15,000-20,000 के क्यों आते हैं, उस क्यों का कोई जवाब नहीं है। आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अपने काम से काम रखना पड़ेगा और इसमें सारा काम निकल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारा ब्रांड है वो मेरा वन ऑफ फेवरेट ब्रांड है और इस ब्रांड के चश्मे मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ब्रांड का नाम है जॉन एंड जेकब्स। मस्त ही आपको पैकेजिंग देखने को मिलेगी, अंदर की तरफ देखोगे वैसे इनके ग्लासेस थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन जो एक्सपीरियंस है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। बहुत अच्छा खूबसूरत लेदर टाइप के मटेरियल से बना हुआ आपको कैरिंग केस मिलता है और काफी लग्जरी सा लगता है भाई। फ्रंट में आपको जॉन एंड जेकब की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, अंदर की तरफ आपको एक वेल पैक्ड क्लीनिंग क्लॉथ देखने को मिल जाएगा और अंदर की तरफ भी ना भाई पूरा मखमल सा काम किया हुआ है। अब ये दो टेम्पल्स भी ना सटे इसलिए अंदर बीच में भी ना एक स्पेसिंग क्रिएट की गई है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है वैसे। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस भाई। अब एक नजर में कहूं ना तो बहुत मेजर नहीं लेकिन डिफरेंस फील हो रहा है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। पूरी बॉडी इसमें आपको ग्रे कलर की देखने को मिल जाएगी और ग्रे में भी ना थोड़ी सी मार्बल सी फिनिशिंग आपको कहीं कहीं फील होगी। दोनों ही आउटर साइड में आपको कहीं भी ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलती, सारी ब्रांडिंग अंदर में की गई है। यहाँ पर एक तरफ में लिखा हुआ है जॉन एंड जेकब और उसके अंदर में भी ना हिंज में भी आपको एक हल्की सी डिजाइनिंग देखने को मिलेगी और टेम्पल्स के एंड में भी आपको इनका लोगो देखने को मिलता है। हिंज भाई यहीं से आप देखोगे ना तो आपको फील होगा कि क्या हेवी हिंज यहाँ पर डाला गया है, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और एक स्पेशल बात क्या है कि इसकी पूरी बॉडी एसीटेट से बनाई गई है। एसीटेट क्या होता है? एसीटेट प्लास्टिक ही है लेकिन एक बहुत अलग वे में इसे बनाया जाता है और स्पेशली इस मटेरियल से सनग्लास के फ्रेम्स बनाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होता है और ड्यूरेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ये टेक्नोलॉजी 1940 से यूज की जा रही है तो काफी रिलायबल है। अगर इसके ग्लास की बात करें, साइड में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। इसका ग्लास पूरा पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है और इसमें आपको यूवी प्रोटेक्शन मिल जाएगा 100%, लेकिन ये भी एक पॉलराइज्ड ग्लास नहीं है। हाउएवर यहाँ पर आपको एंटी रिफ्लेक्शन और एंटी स्क्रैच रेजिस्टेंट का कोटिंग देखने को मिल जाएगा। पहनने के बाद डेफिनेटली फिटिंग काफी ज्यादा तगड़ी आती है। इस छोटी सी तगड़ी चीज के लिए आपको 1600 रुपए पे करने पड़ेंगे एंड आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप इसे खरीदो अगर आप 2000 तक खरीदने की सोच रहे हो कोई प्रोडक्ट, क्योंकि हाँ क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा सनग्लास आता है टाइटन की तरफ से। अब यहाँ पर देखो तो आपको फास्ट ट्रैक का ही बॉक्स देखने को मिल जाएगा क्योंकि फास्ट ट्रैक, टाइटन, सोनाटा सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे और थाली का नाम है टाटा। हालांकि बॉक्स अलग मिलना चाहिए था क्योंकि हम अलग ब्रांड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि सेट्रॉन और बुगाटी चिरॉन में कोई फर्क ही नहीं है। और ये है भाई अपना खूबसूरत सा सनग्लास, अगेन एक वेफेयर स्टाइल। पूरा इसका फ्रेम आपको ग्रे कलर का देखने को मिल जाएगा और इसके टेम्पल्स में अंदर में ना आपको वो मेटल के हिंजेस के डिजाइन देखने को मिलेगी। अंदर में आपको टाइटन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। हिंज की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और एग्जैक्ट वही सेम हिंज है जो कि लेंस कार्ड के प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा था। पूरी बॉडी इसकी अगेन एसीटेट से बनी हुई है, जैसा मैंने आपको बताया एसीटेट काफी फ्लेक्सिबल, काफी ड्यूरेबल और एक प्रीमियम मटेरियल होता है। ग्लास की अगर बात करें, यहाँ पर आपको ग्रे कलर का तो ग्लास मिलेगा ही लेकिन यहाँ पर ग्रेडियंट ग्लास ऑफर किया गया है और ये ग्रेडियंट शेड काफी यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पहनकर दिखाऊं, पहनने में सच में बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि एक चीज अलग क्या है इस ग्लास में कि इसका जो टेम्पल है ना वो एंड में जाकर काफी शार्प टर्न लेता है, जिसके कारण से जब आप इसे पहन लोगे तो बैक से जो ग्रिप आती है ना वो काफी इंप्रूव्ड आती है। ऊपर में चूंकि डार्क शेड है, अपर सनलाइट के जो रेज होते हैं ना एकदम ओवरहेड में जब होता है सन, उस रेज से ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और नीचे की तरफ चूंकि लाइटर शेड है यहाँ से आपको एक अच्छी विजिबल लुक आती है एंड इट फील्स कि हाँ अच्छे प्रोडक्ट पर आपने इन्वेस्ट किया है। इसकी प्राइसिंग अगेन 2000 के आसपास की है, जाना चाहो हंस के जा सकते हो अगर आपका बजट इतना है तो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द लास्ट प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में और इस डब्बे के अंदर है 4000 रुपए का सनग्लास। अब एक जेन्युइन अगर बात करूं ना तो 2000 से ज्यादा या उन ब्रांड या क्वालिटीज के बाद ना वैसी कोई नीड्स बच नहीं जाती जो कि आपको किसी सनग्लास में चाहिए। बट देखो जिंदगी पंगा लेने का नाम है और डेफिनेटली ब्रांड्स भी पंगा लेते रहेंगे। ब्रांड का नाम है फास्ट्रैक और ये है Vibes 2.0। अब ये क्या है उसको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। सेम से आपको पैकेजिंग देखने को मिल जाएगी जो हमें मिला था उधर। पूरा फ्रेम इसका भी पॉलीकार्बोनेट का ही बना हुआ है, हालांकि मैट फिनिशिंग का है, ये गलत चीज हो गई। साइड में आपको फास्ट्रैक की ब्रांडिंग मिलती है, टेम्पल के बीच में आपको एक ना शार्प बम्प सा देखने को मिलेगा जो कि इसके डिजाइन का पार्ट है। एंड में काफी कंफर्टेबल टर्न किया गया है, अंदर की तरफ आपको वैसे कोई डिटेलिंग्स नहीं मिलती। दूसरे साइड में आपको फास्ट्रैक का लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको एक बहुत प्रीमियम ग्लास देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर यूवी प्रोटेक्शन, पोलराइज्ड ग्लासेस सारी चीज ऑफर की गई है। पहनने के बाद ये वॉच भी काफी कंफर्टेबल सा लगता है, हालांकि एक चीज है कि एंड का ये वाला एरिया ना थोड़ा सा शार्प रह गया, जिसके कारण से कभी कभी ऐसा होता है अगर मैं जल्दबाजी में पहनूं तो वो टिप चुभता है। बाकी कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी क्या चीज है इसमें जो कि ब्रांड 4000 रुपए ले रही है? देयर इज समथिंग जो
बहुत यूनिक है। ये एक स्मार्ट सनग्लास है, अगर आप इसके डब्बे में ही पढ़ो तो आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको एक यूएसबी केबल भी देखने को मिल जाएगा टाइप सी, और नीचे की तरफ अगर देखोगे यहाँ पर आपको एक चार्जिंग का जुगाड़ भी मिलता है, माइक्स भी मिलते हैं, स्पीकर्स भी मिलते हैं, बटन नीचे में मिलता है, और ये जो टी देख रहे हो ना, ये टच सेंसिटिव बटन है। ये चाइना वाला माल है, बाहर में से ब्रांडिंग करके ये बेच रही है, लेकिन हाँ वॉइस की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी। बिटवीन कॉल्स हमें वॉइसेस अच्छे से जा रही थी, आ रही थी, हेलो हेलो, और एकदम ही फुल वॉल्यूम कर दोगे ना तो साइड साइड वाले लोगों को सुनाई भी देता है कि आप अपने चश्मे से सुन रहे हो। भाई ये कुछ ज्यादा ही डिजिटल हो जा रहे हैं हम, इतने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आया आपको, 4000 खर्च करोगे तो क्या फालतू की चीजें मिलती है। बाकी अगर आपको ये चाहिए इसके लिए जा सकते हो, लेकिन आई वुड नॉट पर्सनली सजेस्ट यू। ऐसे ऑनेस्ट रिव्यूज, वर्ड्स एंड ओपिनियंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।